प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, 3 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से परिणाम में काफ़ी देरी हो रही है और इस परिणाम में देरी का जो बड़ा कारण है वो भी स्पष्ट हो चुका है कि EWS और MBC आरक्षण का प्रावधान। अब चूँकि ये प्रावधान लागू कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, तो आपकी फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है और अब रिजल्ट भी बिल्कुल तैयार कभी भी घोषित होने की स्थिति में है। तो इससे पहले आपको सचेत कर दें साथियों कि आपके यदि इस परीक्षा में इतने मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि अब इसका परिणाम जल्द ही आने वाला है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, इन सब जानकारियों के लिए आप आज इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। और साथ ही यदि हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो समस्त प्रकार की अपडेट्स के लिए, शिक्षा और रोजगार संबंधी सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें, आपकी यह परीक्षा जो 3 फरवरी 2019 को आयोजित हुई थी, इसमें कुल 1200 पद थे और जो आपका पेपर हुआ था वो लगभग 150 प्रश्न उसमें थे, जो कि लगभग 300 अंक के थे। और इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई थी। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इस परीक्षा में किया गया था। अब हम देखते हैं इस परीक्षा के परिणाम के विषय में। साथियों, अंतिम उत्तर तालिका आपकी जारी हो चुकी है, लेकिन MBC और EWS इन दोनों आरक्षण के कारण अभी तक आपका परिणाम जारी नहीं हो सका है। अब इन दोनों आरक्षणों की स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है, तो अब क्लियर आप मान के चलें कि अब आपका परिणाम भी जारी होने के लिए अंतिम अवस्था में है और कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार रखें, इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो। साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लगभग 155 से 160 नंबर यदि हैं तो आप बिल्कुल फुल दौड़ में हैं और आपका सिलेक्शन भी श्योर है। इसी के साथ यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो अनुमान आ रहा है कि 150 से 55 की कट ऑफ OBC की रह सकती है। OBC की कट ऑफ 155 से ऊपर भी जा सकती है। साथियों, ये क्लियर कर दें, MBC 145-50 के आसपास रहेगी, SC 135-40 और ST 130-35, ये एक सामान्य आंकड़ा आया है, ये कोई श्योर नहीं है। आपको बता दें, ये सर्वे का अनुमान है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा नाम अंक बताए गए हैं। साथियों, फिर भी यदि आपके इतने अंक हैं तो आपको यहाँ पर केवल सचेत किया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इस प्रकार की हमारे द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा रही है कि ये फाइनल कट ऑफ है, ये एक अनुमान है। और साथियों, एक अनुमान ही होता है ये एग्जिट पोल, जो आपको अपनी स्थिति के लिए सतर्क रहने के लिए करता है। तो जैसा साथियों अपडेट थी, अनुमान था, उसके अनुसार आपको सचेत करने का प्रयास किया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक साथियों ज़रूर करना। महिलाओं के लिए बता देते हैं, प्रत्येक कैटेगरी में महिला जो अभ्यर्थी हैं वो अपने 2 से 5 मार्क्स कम कर ले प्रत्येक कैटेगरी में। ये महिलाओं का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, 2 या 3 मार्क्स का ही आ पाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।